अनुपमा आज बहुत खुश है। जी हाँ, खुश है, क्योंकि उसके पति ने उसका साथ दिया है। उसके घर में विराजमान छोटे से बाल गोपाल की पूजा करने में पति ने साथ निभाया तो अनुपमा खुश हो गई। लेकिन क्या काव्या खुश होगी? अनुपमा के छोटे बेटे समर को राखी के दिन ही मिल गई पार्टनर। अब ये लाइफ पार्टनर बनेगी या नहीं ये तो पता नहीं, मगर हाँ ये आई है राखी घुमाते हुए और उसकी नजरों से लगता है कि ये समर की लाइफ पार्टनर जरूर बन सकती है, उसके सपनों की रानी बन सकती है। तो समर तो डांसर बनना चाहता है, उसके पापा नहीं चाहते कि वो डांसर बने क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ हॉबी है, ये कोई करियर नहीं है। और नंदू क्या करती है, नंदू से पूछ लो। सो नंदिनी एक क्लासिकल डांसर है। वो एक्चुअली यू नो कैरेक्टर वाइज शी इज़ लिटिल मैच्योर, थोड़ी सी ह्यूमरस है। जो दिल में आता है वो साफ साफ बोल देती है, सो शी डजंट थिंक बिफोर यू नो सेइंग और लाइक। मैं नंदू के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सो नंदिनी ऐसा कैरेक्टर है जिसमें यू नो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत ज़्यादा, वो ऑन फेस है, उसे जो लगता है वो मुंह पे कह देती है। एंड उसके लिए इंडिपेंडेंट होना सबसे बड़ी चीज़ है, तो शी इज़ इंडिपेंडेंट गर्ल, वो किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती है। एंड वो संस्कारी है बहुत ज़्यादा, वो भले US से आई है लेकिन बहुत संस्कारी। देखो मुझे इतना पता है, इसे अपने आप खुद के बारे में नहीं पता है, मगर यहाँ देखिए काव्या का सपना टूट रहा है क्योंकि उसने वीडियो कॉल पर वनराज को अनुपमा के साथ रक्षाबंधन के त्योहार पर पूजा करते देख लिया है, फैमिली के साथ खुश देखा है। तो काव्या के मन में लग गई है आग और उसने भी कुछ कर दिखाने का फैसला किया है। अनुपमा अपने कान्हा जी से प्रार्थना कर रही है कि उसके हंसते खेलते परिवार को किसी की बुरी नजर ना लगे, मगर काव्या की नजर तो लग ही चुकी है। अब वनराज को वापस पाने के लिए कौन सी नई चाल चलेगी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।